हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्म इन हिस्ट्री। आज हम आपको श्रीदेवी की ऐसी फिल्म बताने जा रही है जिसका क्लाइमैक्स दर्शक ढूंढते ही रह गए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हिंदी सिनेमा में लेडी अमिताभ बच्चन कही जाने वाली दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी आज भले ही हमारे बीच न हो, लेकिन उनका निभाया हर किरदार आज भी उनके फैंस भूल नहीं पाए है। वह ज्यादातर दमदार किरदारों और ब्लॉकबस्टर फिल्मों में ही नजर आई। 19 साल पहले अक्षय कुमार के साथ उन्होंने एक ऐसी फिल्म की थी जिसका रिलीज के बाद लोग क्लाइमैक्स ही ढूंढते रह गए थे। श्रीदेवी और अक्षय कुमार दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे सुपरस्टार हैं जो अपने दम पर फिल्में हिट कराने का टैलेंट रखती है। श्रीदेवी ने अपने करियर में कितनी ही ऐसी फिल्में की है जिनमें वह हीरो पर भी भारी पड़ी है। वहीं अक्षय कुमार ने भी अपने करियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी है, लेकिन साल 2004 में उन्होंने एक ऐसी फिल्म के साथ काम किया जिसका क्लाइमैक्स ही शूट नहीं किया गया था और फिल्म रिलीज हो गई थी। आज 19 साल बाद वह फिल्म अभी भी अधूरी ही है। ये पूरा किस्सा सुनकर शायद आपको हंसी आ जाए, लेकिन ये बात पूरी तरह सच है। साल 2004 में अक्षय कुमार और श्रीदेवी की एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम मेरी बीवी का जवाब नहीं। इस फिल्म का क्लाइमैक्स सीन ही शूट नहीं किया गया था और फिल्म को रिलीज कर दिया गया था। आज भी ये फिल्म अधूरी ही है। इस बात का खुलासा खुद अक्षय कुमार ने अपने एक इंटरव्यू में किया था। उन्होंने बताया था कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर ने बीच में ही शूटिंग से पहले फिल्म को छोड़ दिया था। उस वक्त तक फिल्म का क्लाइमैक्स भी शूट नहीं किया गया था। लास्ट सीन में अक्षय कुमार और श्रीदेवी ने हाथ पकड़ा था और कहा था कि हम अब बदला जरूर लेंगे, लेकिन बदला शूट ही नहीं हुआ तो दिखाते कैसे। फिर क्या था, इसके बाद स्क्रीन पर लिख कर आ जाता है कि उन दोनों ने मिलकर बदला लिया। इसके बाद वे दोनों डांस करने लगे। अब हम बात करेंगे एक और विवाद की। 80 के दशक में चलते थे इन हसीनाओं के बोल बाले, आइए जानते हैं कुछ ऐसी अभिनेत्रियां हैं जो सुपरहिट होने के बाद भी एक्टिंग को अलविदा कह गई। चलिए जानते हैं इन अभिनेत्रियों के बारे में। 80 के दशक की मशहूर हीरोइन विजयता पंडित ने लव स्टोरी से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। पहली फिल्म से ही वह रातों रात स्टार बन गई थी। इस फिल्म में इन्होंने एक्टर कुमार गौरव के साथ काम किया था। पॉपुलर एक्ट्रेस आयशा जुल्का ने 11 साल की उम्र में फिल्म कैसी कैसी लोग 1983 से अपना करियर शुरू किया था। 2010 तक आयशा ने अपने 27 साल के करियर में करीब 52 फिल्मों में काम किया। आयशा जुल्का ने करियर के पीक पर पहुंचकर बॉलीवुड को अलविदा कह दिया था। 1985 में फिल्म मेरा साथी से शुरू हुई राम तेरी गंगा मैली की हीरोइन मंदाकिनी का करियर 1996 में जोरदार के साथ खत्म हो गया था। 80 के दशक में सबके दिलों पर छाने वाली मंदाकिनी का नाम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद अब्राहम के साथ जुड़ा था। 80 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस रही फराह नाज अपने जमाने में शॉर्ट टेंपर एग्रेसिव टाइप की थी जो कब किसे पीटते कहना मुश्किल था। इसी रवैये के चलते उन्हें 80 के दशक की सबसे विवादित एक्ट्रेस माना जाता था। तब वो फराह की छोटी बहन है। अपनी खूबसूरती और अदाकारी से बॉलीवुड पर राज करने वाली फराह नाज ने अपने करियर में कई हिट फिल्में ली, लेकिन करियर के पीक पर शादी करके वो अचानक गायब हो गई। फराह नाज की पहली फिल्म फासले थी जो 1985 में रिलीज हुई थी। मीनाक्षी शेषाद्री 80 के दशक की सुपरहिट एक्ट्रेस में से एक है। अपनी अदाकारी और खूबसूरती के बल पर उन्होंने खूब नाम कमाया, लेकिन अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचने के बाद मीनाक्षी ने अचानक फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। 1983 में रिलीज हुई फिल्म पेंटर बाबू से बॉलीवुड में डेब्यू किया था।
अगर फिल्म इंडस्ट्री की ये जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।